हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यूपीपीएससी नर्स भर्ती 2021 स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 3012 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इसके लिए ऑफिशियली सिलेबस लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियली सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देंगे, पेपर लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, साथ ही पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा इसकी भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक लेकर आ चुका हूं, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियली सिलेबस में आप लोगों से स्टाफ नर्स के 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही जीके के भी क्वेश्चन आएंगे और समान हिंदी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके बाय कर लो। दोस्तों बिल्कुल 49 रुपीज़ की ई बुक है, बहुत ही सस्ते हैं, आप लोग जाके बाय करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, समान ज्ञान जीके का आपको लिंक दिया गया है, इसे भी ई बुक बाय कर सकते हैं, जो कि लूसेंट का है नंबर 1 ई बुक। स्टाफ नर्स का यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको 2 ई बुक मिल जाएंगे, एक सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि 3200 है और इसमें 7 मॉडल टेस्ट भी दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों नंबर 3 समान हिंदी के भी ई बुक आप लोग बाय कर सकते हैं 100% सिलेक्शन के साथ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जो है हिंदी में ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। सबसे पहले आपको बता दें तो आप लोगों का जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल दोस्तों आप लोगों का जो है यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और OMR बेस पे ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेट दिए जाएंगे, जो कि OMR बेस पर ही होगा, तो आपको आंसर के भी साथ में दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है अब यहाँ पे आगे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखिए आगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी OMR उत्तरक पत्रक को भरने में केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो आपको बता दें, देखिए बिल्कुल कन्फर्म है OMR बेस पर जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, CBT मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं, OMR बेस पे ही आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अभ्यर्थी OMR आंसर शीट की सभी प्रविष्टियाँ सही सही भरें, इन्हें रिक्त छोड़ने या त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR शीट जो है मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से जो है यहाँ पे गोला बना रहेगा। आपको जो है जो भी आपको राइट आंसर होगा उसे क्या करना होगा, ब्लैक करना होगा और एक ही आंसर जो है आपको ब्लैक करना है। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है, ऐसे आपको ब्लैक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक OMR सीट जो कि लोकल होगा, है ना, डुप्लीकेट होगा, आपको घर ले जाने की अनुमति होगी और जो ओरिजिनल कॉपी होगी वह जो आपको आयोग में दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए OMR आंसर शीट 2 प्रतियों में, एक मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति कैंडिडेट कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपी जो है आप लोगों को वहाँ पे जमा करना होगा और जो कैंडिडेट कॉपी है दूसरी प्रति है आपको जो है लेके जाना होगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR सीट जो है यहाँ पर अंतरिक्षक को सौंप देंगे तथा जो यहाँ पे कैंडिडेट कॉपी है अपने साथ ले जाएंगे। परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न पत्रों में गलत उत्तरों पर दंड की व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है या 0.33 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे दोस्तों 1/3 का निगेटिव मार्किंग है या 0.33 का निगेटिव मार्किंग है, याद रखिए। बट दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे यहाँ पे देखिए, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि बोला जा रहा है कि यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक प्रश्न के उत्तर देता है
तो बिल्कुल उसके जो क्वेश्चन है रद्द कर दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो आपको जो है चार ऑप्शन है, उसमें से एक ही राइट आंसर चूज करना होगा और एक ही बार में आपको जो है टिक करना होगा, बार बार टिक करना होगा, उससे रबड़ नहीं करना है, मिटाना नहीं है। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इसके बाद देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% रखी गई है। और इसके बाद जो यहाँ पे और भी जैसे कैटेगरी हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है जो एससी है उनके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो एसटी हैं उनके लिए 35%, बाकी ओबीसी यूआर कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे मार्क्स दोस्तों रखे गए हैं। तो यह जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। तो अभी आपको बता दूं, नंबर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है या 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है। नंबर 2 आप लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओएमआर बेस पे एग्ज़ाम होगा, आपको जो है पेपर सेट दिए जाएंगे और उस पर जो है आप लोगों को टिक करना होगा, और ओएमआर डुप्लीकेट सीट जो है आपको ले जा भी सकते हैं, ठीक है, आंसर चेक करने के लिए। नंबर 3 पेपर लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूपीपीएससी का पेपर लैंग्वेज जो है एक साइड में इंग्लिश होगा और एक में हिंदी होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। एक साइड में आपका जो है क्वेश्चन इंग्लिश में होगा और वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे हिंदी में होगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोस्तों क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों दे दिया है। चलिए आप यहाँ पे सिलेबस देखते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और ई बुक को ज़रूर बाय करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है। 100% सलेक्शन होगी, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर परीक्षा योजना जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, इसमें समान हिंदी से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। समान हिंदी से 20 क्वेश्चन होंगे और मुख्य विषय जो है नर्सिंग है, और नर्सिंग से दोस्तों 120 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे समान ज्ञान जीके से जो है, जो कि ई बुक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, समान ज्ञान समान हिंदी नर्सिंग के जाके बाय करो। इसमें दोस्तों कुल 170 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि समान ज्ञान से 30 क्वेश्चन, समान हिंदी से 20 क्वेश्चन, नर्सिंग से 120 क्वेश्चन, तो 170 क्वेश्चन होंगे और 0.5 या आधे नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो 1/2 या 0.5 का जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, तो एक क्वेश्चन सही करोगे तो 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, आधे नंबर दिए जाएंगे। और इसमें 120 मिनट का समय होगा या 2 घंटे का समय होगा, तो 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन करने होंगे, इसके लिए 85 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों मात्र आपको 85 नंबर दिए जाएंगे, 170 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/2 या 0.5 आधे नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, तो यह याद रखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं तो क्या क्या पूछा जाएगा। तो जीके समान ज्ञान में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, इससे जो है जीके में क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राजनीति के एवं शासन संविधान राजनीतिक व्यवस्था पंचायती राज, देखिए पंचायती राज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे, इससे भी क्वेश्चन उठाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विज्ञान, इससे भी सामाजिक विकास है, इसमें जनसंख्या से भी क्वेश्चन उठाएंगे, पर्यावरण से भी क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इससे भी उठाएंगे क्वेश्चन। भारतीय कृषि, ये भी है सिलेबस में, और समान विज्ञान। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन 100% आएंगे। जनरल साइंस के लिए भी ई बुक दिया गया है, बिल्कुल दोस्तों जनरल साइंस के लिए ई बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके बाय कर लो। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आ जाता है समान हिंदी। तो ऊपर जो है मैंने जीके के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जीके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी है। समान हिंदी में आपको विलोम पढ़ लेना है, वाक एवं वर्तनी शुद्धि इससे पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, इससे क्वेश्चन आएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द, इससे क्वेश्चन आएंगे। विशेष और विशेषण, इससे क्वेश्चन आएंगे। पर्यायवाची शब्द, इससे क्वेश्चन आएंगे। और ये सब दोस्तों ई बुक में दिया गया है, ई बुक को बाय करना। आगे देखिए नर्सिंग, तो नर्सिंग में जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग की बुनियादी बातें, ये भी इससे क्वेश्चन आएंगे। और देखिए नर्सिंग पर फोकस ज्यादा करिए, साथ ही आपको जो है जीके और साइंस और जीके साइंस और हिंदी पर भी फोकस करना है। नंबर 3
प्राथमिक चिकित्सा, इससे भी क्वेश्चन आएंगे तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये सब्जेक्ट आप पर जो है फोकस करना है। इसके बाद देखिए नंबर 5, इसके पहले संचारी रोग, इससे भी क्वेश्चन उठाएंगे। मनोरोग नर्सिंग, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और मिडवाइफेरी एंड गायनकोलॉजिकल नर्सिंग, बाल नर्सिंग, व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मानदंड, इससे क्वेश्चन आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, नर्सिंग में कंप्यूटर। तो दोस्तों नर्सिंग में कुल 15 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, 15 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको जो है इस वीडियो में मैंने जो है एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आप लोगों का जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस पे एग्ज़ाम होगा, 1/3 या 0.33 का निगेटिव मार्किंग है, और पेपर जो है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और इसमें सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, सिलेबस के बारे में जानकारी दी है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको ऑफिशियली सिलेबस दे दिया है। 170 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय होगा, और यहाँ पे देखिए 85 नंबर का होने वाला है, 0.5 या आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। तो बिल्कुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, फिर भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।